गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रो पार्ट 3 देखते हैं। इंट्रो पार्ट 3 में है चेन रूल। चेन रूल में क्या है कि कंपोजिट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें कंपोजिट फंक्शन का देखो बेटा, अब तो सब एनसीईआरटी सिस्टम दे दिया है और इसमें जो रूल बताया गया है वो रूल उसको हम लोग मिनटों में लगाते थे, बताऊंगा भी आपको। लेकिन पहले तो जो एनसीईआरटी का नॉर्म है, उसका जो रूल है, उसको हमको फॉलो करना ज़रूरी है। तो चेन रूल में मानते हैं कि एक वाई एक्स का एक फंक्शन है, यानी वाई डिपेंड करता है एक्स पर। अगर एक्स में चेंज होता है तो वाई में चेंज होगा, और एक्स फंक्शन है टी का, मतलब अगर टी में चेंज होगा तो एक्स में चेंज होगा, एक्स में चेंज होगा तो वाई में चेंज होगा। इस तरह का फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ से शुरू करेंगे ना। पहले एक्स में बदलाव देखेंगे, एक्स में बदलाव देखने के बाद तब फिर वाई में बदलाव देखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा है डी डी टी ऑफ वाई बराबर हमने किया डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू डी डी टी ऑफ वाई। वैसे भी जनरली देखिए कि डी एक्स से कट जाएगा तो डी डी टी ऑफ वाई ही बचेगा, लेकिन यहाँ काटना नहीं है, यहाँ समझना है। तो आइए हम इस पर कुछ सवाल करते हैं। इसे मान लीजिए कि वाई बराबर एक्स क्यूब है, ये तो हम कर चुके हैं कि थ्री बगल में आएगा, पावर एक माइनस हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं दूसरा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी वाई जो है एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है। ये इसे अगर हम एच एक्स बराबर कॉस एक्स मान लें तो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मान सकते हैं इसको हम, ठीक है। कंटिन्यूटी में हम लोग देखे थे ऐसा सवाल, तो हमने कंसिडर किया कि t बराबर एक्स स्क्वायर। जब t बराबर एक्स स्क्वायर हो गया तो y बराबर क्या हो गया, cos t। हमने कहा दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू व्हाट, cos t। चलिए अब हम करते हैं dy dx निकालते हैं हम, तो ये क्या होगा। पहले देखिए कि y किसका फंक्शन है, t का। y किसका फंक्शन है, t का। तो d dt ऑफ y लिखेंगे, क्लियर, इनटू। अब देखिए x किसका फंक्शन है, t का, तो इसका डिफरेंशियल t की रिस्पेक्ट हम करेंगे ना, सॉरी। तो t का डिफरेंशियल x की रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि x में जब चेंज होगा तो t में चेंज होगा, ठीक ना। तो d dx ऑफ t कर दिया हमने। चलिए अब y और t की वैल्यू पुट अप करते हैं हम। चलिए y की वैल्यू हमने रख दिया क्या, cos t, और t की वैल्यू हमने रख दिया क्या, x स्क्वायर, ठीक। अब पता है कि cos t का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन t, और इसका 2x पावर 1 होगा, तो 1 तो लिखेंगे नहीं। चलिए भाई अब क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट अप कर दिया, x स्क्वायर और इंटू 2x, या इसको हम माइनस 2x साइन x स्क्वायर लिख सकते हैं। लास्ट में बताएंगे कि इन सब सवालों को डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, गलत नहीं होगा फिलहाल, लेकिन भाई हो सकता है। चलो दूसरा सवाल है y इजकल टू साइन x अपान x, ठीक है, साइन x अपान x, ये क्वेश्चन है ये। तो इसको जानने के पहले तो हम एक दो पदों का गुणनफल देख लेते हैं। यहाँ पर अगर दो फंक्शन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन हैं, इसका आपस में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन हमने रख दिया है, तो इसका फार्मूला क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अगर डिवीजन है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन,
आगे आगे चल कर हम न्यूमरेटर और पॉइंट डिनोमिनेटर लिख दिए हैं हर बटे अंश। होता क्या है इसका फार्मूला कि सेकंड फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोल सकते हो हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का घाते दो। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि यक्स वाई बराबर यक्स स्क्वायर इंटू साइन यक्स यक्स स्क्वायर इंटू साइन यक्स ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है तो क्या करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई में पहला पद यक्स स्क्वायर गुण डी डी एक्स ऑफ साइन यक्स प्लस दूसरा फंक्शन साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या बेटा आप देखिए डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा कास एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बचेगा टू एक्स यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर कास एक्स प्लस टू एक्स साइन एक्स ये आपका आंसर हो गया। ज़्यादा ज़्यादा आप एक्स कॉमन ले सकते हैं एक्स जब कॉमन ले लेंगे एक्स कॉस एक्स प्लस टू साइन इन एक्स होगा। अब आइए डिवीजन वाला देखते हैं आपका एक फंक्शन है वाई बराबर साइन एक्स अपन एक्स तो यही किया हमने क्या हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का घाते दो यानी पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ उसे हर अंश का ही ज़्यादा बढ़िया है। चलिए भाई साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स फिर साइन एक्स फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा एक। भाई देखो भाई एक्स पावर वन है इसका अवकलन लेंगे तो वन बगल में आ जाएगा अब इसमें से पावर में एक माइनस कर देंगे तो वन एक्स पावर कितना हुआ जीरो बराबर वन हो गया। तो साइन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जगह पर क्या लिखा गया है वन। चलिए अब क्यों सिंप्लीफाई कर लीजिए ये एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान एक्स स्क्वायर इसको हम डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर टू लिख सकते हैं हम एक्स लिख सकते हैं टू लिख दिया हमने गलती से कैमरा ऐसे पकड़ा हूँ कि लिखने में दिक्कत हो रही है ठीक है ये बराबर ही आपका हो गया आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं अब वाई इज इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव फिर वही बात है कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव को हमने टी माना ठीक तो वाई बराबर क्या हो गया साइन टी y बराबर साइन टी। चलिए भाई डी वाई डी एक्स है तो y किसका फंक्शन है t का इसलिए y का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो d डी टी एफ वाई यहाँ गलती कर दिया जो हमने साइन t लिख दिया एक गलत कर दिया। फिर देखो टी किसका फंक्शन है एक्स का तो एक्स के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशियल होगा तो डी डी एक्स ऑफ हमने टी लिख दिया। अब वाई की जगह हम क्या लिख दें हम साइन टी वहाँ वाई हमने गलत लिख दिया है साइन टी इंटू डी डी टी डी डी एक्स ऑफ टी टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव ठीक है तो साइन टी का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा कॉस टी। अब इसको थोड़ा सा तोड़ दिए हैं हम डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ फाइव फाइव। चलिए भाई यहाँ सब कट पिट गया ऊपर देखते हैं अब देखिए कॉस डी तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा टू एक्स और फाइव कांस्टेंट है इसका डिफरेंशियल क्या होगा जीरो तो टू एक्स कॉस टी हो गया फिर टी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अब हम आपको यही सवाल जो है था कि अभी वाई बराबर कॉस एक्स स्क्वायर अभी बाद में बताते हैं पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम
तब बाद में बताते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया, क्या वाई बराबर कॉस साइन एक्स, एक क्वेश्चन आ गया। तो हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि साइन एक्स बराबर टी, तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई इजिकल टू कॉस टी, भाई साइन एक्स की जगह पर हमने टी रख दिया तो कॉस टी हो गया, ठीक। अब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे हम लोग, तो पहले ये देखेंगे कि वाई किसका फंक्शन है, टी का, तो वाई का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा, तो डी डी टी ऑफ वाई कर दिया हमने। फिर देखिए क्या कंसीडर किया हमने ऊपर, साइन एस बराबर टी, यानी साइन एस किसका फंक्शन है, टी का, तो साइन एस का डिफरेंशियल किसके टर्म में करेंगे, सॉरी टी का डिफरेंशियल किसके टर्म में करेंगे, एक्स के टर्म में करेंगे, तो हमने लिखा डी डी एक्स ऑफ टी। अब सबका पहले मान रखा, वाई का मान कॉस टी, टी का मान साइन एक्स रख दिया। अब देखिए कॉस टी का डिफरेंशियल कितना होगा, टी के रिस्पेक्ट में माइनस साइन टी, और साइन एक्स का कॉस एक्स, बस बेटा टी की वैल्यू रख दो, माइनस साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारा हो गया आंसर। फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा एग्जांपल है, लेकिन सारे कितने भी प्यारे एग्जांपल हों, लेकिन जब तुम्हारे गुरुजी की कलम चलेगी तो दो मिनट में पत्ता साफ कर दिया जाएगा इन सबों का, करके दिखाएंगे, निश्चित करके दिखाएंगे। सेक इन ब्रैकेट टेन अंडर रूट एक्स है, ठीक। अब अंडर रूट एक्स को हमने यू मान लिया, ठीक, तो y बराबर क्या हुआ, sec tan u, ठीक, sec tan u। अब फिर tan u को हमने मान लिया, tan u को v माना, क्या हुआ ये जो sec tan u था अब sec v हो गया है आपका। चलिए आप क्या करेंगे, अब y किसका फंक्शन है, v का, तो y का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट करेंगे, v के, तो डी डी वाई डी डी वी ऑफ y हमने कर दिया। अब आइए देखिए, अब बचता है v आपका, क्या बचता है, v, तो v किसका फंक्शन है, u का, तो v का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट करेंगे, u के, तो डी डी यू ऑफ v कर दिया, ठीक। फिर u जो माना हमने, u अंडर रूट x, यानी u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, अंडर रूट x का फंक्शन है, तो u का डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो हमने लिख दिया d dx ऑफ u। अब आप आराम से कर सकते हैं, y की वैल्यू रख दिया sec v की वैल्यू रख दिया tan u, u की वैल्यू रख दिया अंडर रूट x, ना। आप चलिए जिसे x के डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, sec x, सॉरी डी डी एक्स ऑफ sec x क्या होता है, sec x tan x, यहाँ क्या हो जाएगा, sec v tan v इंटू tan x का डिफरेंशियल बताया गया है sec स्क्वायर x, यहाँ sec स्क्वायर v लिख दिया हमने, सॉरी sec स्क्वायर u लिख दिया, सॉरी u u, यहाँ ये u है ये। फिर इसका क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टू, इसे इसको हम लिख सकते हैं ना कि एक्स पावर वन अपॉइंट टू, तो वन अपॉइंट टू बगल में आ जाएगा, तो एक्स पावर वन अपॉइंट टू माइनस वन क्या आ जाएगा, वन अपॉइंट टू एक्स पावर माइनस वन अपॉइंट टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वन अपॉइंट टू रूट एक्स नीचे आ सकता है ये वाला पोर्शन। देखिए तो हमने क्या किया, फिर देखिए वी का मान रख दिया क्या, tan u, यहाँ भी v का मान क्या रखा हमने, tan u जो माने थे, यहाँ sec स्क्वायर u, और इसको पूरा का पूरा यहाँ पर हमने लिख दिया कि वन अपॉइंट टू रूट x, ठीक है। अब u का भी मान लिखना होगा, अब u का मान रख दिया हमने, अंडर रूट x, अंडर रूट x, अंडर रूट x, ये आपका हो गया आंसर। अब बेटा अब हम आपको यही एग्जांपल हम दूसरे ढंग से बताएंगे। चलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि कैमरा स्टैंड छोटा वाला लिए हैं हम,
देखिए आता है कि नहीं आता है। एक सेकंड रुको बेटा, थोड़ा सा राइटिंग पर, अच्छा कैमरा रोक करके एक मिनट लिख करके तब हम बताते हैं आपको। देखो बेटा, तीन लाइन में इसी का उत्तर निकाल दिया हमने, तीन लाइन में। इसको हम लोग जब पढ़ाते थे, जब यूपी बोर्ड था, इसको कहते थे निहित फलनों का अवकलन, सेक इन ब्रैकेट टैन अंडर रूट एक्स था, ठीक है। इसको पूरा पूरा हम एक्स मानते हैं, क्या मान लिया, एक्स सेक एक्स क्या होता है, डिफरेंशियल, सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक एक्स की जगह पर क्या रखा हमने, क्या रखा, सेक एक्स, एक्स की जगह पर यही रख दिया और यहाँ गलती कर दिया हमने, टैन टैन एक्स, टैन टैन रूट एक्स, इसको टैन रूट एक्स ना माने, खाली एक्स माने हम लोग, सेक एक्स का होता ना सेक एक्स टैन एक्स, तो वैसे ही हमने डायरेक्ट लिख दिया, एक्स की जगह पर टैन रूट एक्स रख दिया हमने। फिर डी डी एक्स आप ये जो रूट एक्स है इसका निकालते हैं हम, क्या अवकलन, क्या आया इसका अवकलन, अभी हम लोगों ने निकाला क्या आया, वन अपॉन टू रूट एक्स, फिर सेक टैन अंडर रूट एक्स, सेक अंडर रूट एक्स, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं निहित फलनों का अवकलन से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमने काट दिया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा कि वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, सीधा करो हर गुणे अंश का अवकलन, माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का पावर टू। अच्छा, जब यहाँ पर यहाँ फार्मूला लिखा था कि एन अपॉन डी करके, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, जब इसको करोगे बेटा ना, जैसे देखो साइन एक्स का यहाँ पर जब साइन एक्स का अवकलन करोगे तो कॉस ए एक्स प्लस पी बी, फिर डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस पी, दिखा रहा हूँ शॉर्ट रूल से, इसे चलो कैमरा ऐसे करता हूँ, लिख रहा हूँ डी वाई डी एक्स बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। हर क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी है, सॉरी ए एक्स प्लस बी है, सॉरी हर गुणांश का अवकलन ना, कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस वही सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चलो अब करते हैं हम यहाँ से करते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसका अवकलन तो करना नहीं है, कॉस सी एक्स प्लस डी हमने लिख दिया, फिर साइन ए एक्स प्लस बी का, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, फिर डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर डी डी एक्स आप कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस क्या होता है साइन माइनस साइन, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी डी एक्स आप सी एक्स प्लस डी, अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा वही कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो आपका आंसर आ गया,
की ओर लिखते चले जाओ, कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी, इसका जब अवकलन करेंगे तो केवल ए आएगा, एक बाहर हो जाएगा, एक आओगा बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स, देखो ए डी डी एक्स ऑफ एक्स, इसका कितना होता है एक, तो बराबर क्या हो जाएगा ए, अब बी का जीरो हो जाएगा, तो इंटू क्या कर दें हम, ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी क्या है माइनस माइनस प्लस, साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी, अब इसका अवकलन क्या हो जाएगा सी अपान ए कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है लेकिन यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी है नहीं, इसीलिए कुछ कटे उटेगा नहीं, यही आपका क्या हो गया आंसर। ये यूपी बोर्ड निहित फलनों का अवकलन दो लाइन में आना चाहिए, लेकिन यही सीबीएसई बोर्ड रूल अप्लाई किया, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, वो आगे चल करके बहुत आपकी मदद की करेगा। ठीक है बेटा, तो आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, अब हम आगे इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल ऑफ इन्वर्स फंक्शन। थैंक यू सो मच।